हे व्हाट्सअप गाइस, आ चुके हैं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। एंड साथ ही साथ आज हम आप लोग को सिखाने वाले हैं कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग। आज का वीडियो ना सिर्फ एक टॉपिक पे है, वो भी फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग। बहुत ज्यादा कमेंट आता है कि आरडीएक्स भाई फेस स्मूथ हमसे स्मूथ हो ही नहीं पाता है। तो आज का वीडियो ना आप लोग को बिना स्किप के वॉच करना पड़ेगा। अगर आप लोग बिना स्किप के वॉच कर लेंगे तो आप लोग भी फेस स्मूथ बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चले फ्रेंड, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, हम लोग आ चुके अपने होम स्क्रीन के ऊपर। एंड आज आप लोग ना हम कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं, जैसे कि देखिए आपको बिफोर एंड आफ्टर। तो आज का वीडियो बहुत ही ऑसम होने वाला है। चले फ्रेंड, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइज आप लोग को शेयर कर लेना होगा फेस ऐप एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपली आप लोग को मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से जा करके। देखिए फेस ऐप एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है गाइज। तो सिंपली शेयर करना होगा कुछ इस तरीके से लोडिंग अवेलेबल फिल्टर्स, ठीक है मेरी जान। तो सिंपली कुछ इस तरीके से लोडिंग लेगा। एंड आप लोग क्या कीजिएगा, डाटा ऑन करके चालू कीजिएगा, तभी आप लोग का ये फेस ऐप एप्लीकेशन काम करेगा। सो गाइज, शेयर करने वाला सिंपली आप लोग को आ जाना होगा स्क्रॉल करके यहाँ पे स्माइल वाले ऑप्शन पे। देन गाइज स्माइल वाले ऑप्शन पे आने वाला सिंपली देखिए ओरिजिनल क्लासिक विड, ठीक है, TIGHT। तो सिंपली आप लोग को क्लासिक पे क्लिक कर देना होगा। देन गाइज जैसे आप लोग क्लासिक पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। एंड कुछ इस तरीके से आप लोग का फेस हो जाएगा, जैसे कि आपको देखिए दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइज इतना करना, सिंपल आपको यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। एंड अप्लाई करने में सिंपल आपको स्क्रॉल करके चले आना होगा। सिंपल आप लोग आ जाइएगा यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन है एंड बैकग्राउंड। सिंपल आप लोग लेंस ब्लर पे क्लिक कर लीजिएगा। देन गाइज लेंस ब्लर पे क्लिक करने बाद सिंपली देखिए यहाँ पे हाई ब्लर से हाई ब्लर, हाई क्वालिटी से हाई क्वालिटी ब्लरिंग है। तो सिंपल आप देखिए स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। देन गाइज स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करने बाद सिंपली देखिए प्रोसेसिंग द फोटो, ठीक है, डाटा ऑन करके चालू कीजिएगा, तभी आप लोग का फेस ऐप काम करेगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं तो आप लोग बोलेंगे भाई हमारे अंदर चल नहीं रहा, हमारे फ़ोन के अंदर। तो सिंपली देखिए यहाँ कितना औसम तरीके से बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। एंड अगर आप लोग हाई क्वालिटी चाहते होंगे ना तो सिंपली आप यहाँ से इसको बड़ा कर दीजिएगा, यानी मतलब कि पूरा 100 कर लीजिएगा, तो आप लोग का हेयर एंड पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही औसम तरीके से लगेगा। सो गाइज इतना करें, सिंपली यहाँ से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने में सिंपली देखिए कॉर्नर में सेव वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। सो गाइज फोटो जैसे आप लोग सेव करेंगे ना तो यहाँ देखिए लोगो आ जाएगा फेस ऐप एप्लीकेशन का, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आप लोग को रिमूव करना है। सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइज शेयर करने बाद सिंपली आपको टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा। एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा हीलिंग वाले ऑप्शन पे। एंड गाइज हीलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद सिंपली देखिए फेस ऐप है, कुछ इस तरीके से ब्रश अप्लाई कीजिएगा। देन गाइज जैसे अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। एंड गाइज इतना करो, सिंपली यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने बाद सिंपली आपको देखिए स्टाइलिश पे आ जाना होगा। एंड गाइज स्टाइलिश पे आने के बाद सिंपली यहाँ देखिए इस वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा मॉर्निंग पे, ठीक है। सिंपली आप लोग को मॉर्निंग पे क्लिक कर देना होगा। देन गाइज इतना करने में सिंपली आपको यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने में देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, इतना हो गया ना। इतना होने बाद सिंपली आपको टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा। एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा मेरी जान ट्यून इमेज पे। एंड इसका सिचुएशन आप लोग थोड़ा सा माइनस कीजिएगा आप लोग अपने फोटो के हिसाब से। तो मैं हल्का सा माइनस कर देता हूँ, -18। एंड गाइज इतना करने में सिंपली आपको यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने में फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा। एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा, यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आ जाएगा, यहाँ पे है पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। देन गाइज पोर्ट्रेट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड कुछ इस तरीके से आप लोग का फेस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे I1, I2, Combo 1, Combo 2, Combo 3। तो सिंपली आप लोग कॉम्बो 3 पे रखना होगा। एंड यहाँ से आप लोग कुछ इस तरीके से फेस देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे, सिंपली आप लोग उसको 100 कर लीजिएगा। एंड देखिए स्किन स्मूथनिंग है, सिंपली आप लोग इसको भी 100 कर लीजिएगा। एंड गाइज इतना करने बाद सिंपली आप यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने बाद मेरी जान सिंपली फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड सेलेक्टिव पे क्लिक कर देना होगा। एंड देखिए थोड़ा गर्दन पे हम लोग का सेचुरेशन रह गया, ठीक है। सिंपली आप लोग देखिए इस सेलेक्टिव को अप्लाई कीजिएगा एंड यहाँ से आप लोग को सेचुरेशन को माइनस कर देना, ठीक है। देन गाइज जैसे आप लोग माइनस करेंगे ना तो एक ही में आप लोग का फेस एंड गला आप लोग का मैच करने लगेगा। तो सिंपली इतना करने में सिंपल आप यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने में फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा। एंड गाइज टूल्स वाले आइकन पे आने के बाद सिंपल आप लोग देखिए सेलेक्टिव पे फिर से क्लिक कर दीजिएगा। एंड यहाँ से जो भी आप लोग के फेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक होगा हल्का हल्का सा आप लोग ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए 37 प्लस कर दे रहे हैं। एंड गाइज इतना करने में सिंपल आप फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना होगा। नीचे भी देखिए गला पे भी थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है तो वहाँ पे भी हम लोग ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेंगे। एंड गाइज इतना करने में सिंपल यहाँ से डन कर लीजिएगा। देखिए फिर हम लोग एडिट कर चुके हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो सिंपली फिर देखिए डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा।
सो गाइज फोटो सेव करने बाद सिंपली आप लोगों को शेयर कर लेना होगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइज हम लोग शेयर कर चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइज शेयर करने बाद सिंपली आप लोग को आ जाना होगा देखिए कलर वाले ऑप्शन पे। एंड गाइज कलर वाले ऑप्शन पे आने बाद सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा, इसका सेचुरेशन थोड़ा सा आप लोग माइनस कर लीजिएगा, हल्का सा माइनस कीजिएगा, ठीक है मेरी जान। तो -10 एंड गाइज इतना करने सिंपली आप लोग टिंट को बढ़ा लेना होगा कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा आप लोग बढ़ाइएगा, 12 बढ़ा दे रहे हैं। एंड गाइज इतना करने सिंपली आपको मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, देन येलो टोन पे क्लिक कर देंगे। एंड इसका सेचुरेशन आप लोग को क्या करना है 100 माइनस कर देना होगा। एंड इसका ह्यू कुछ इस तरीके से आप लोग को प्लस कर देना होगा 100। इतना करने फिर से आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एंड इसका सेचुरेशन आप लोग को 100 प्लस कर देना होगा। एंड ह्यू को कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, तो ह्यू को -5 कर दे रहे हैं। एंड गाइज इतना करने सिंपल आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड देखिए जो भी आप लोग के हेयर पे इफेक्ट आया होगा, अगर आप लोग कलरिंग चाहते होंगे तो सिंपल आप यहाँ से सेचुरेशन को बढ़ा लीजिएगा तो और ज़्यादा कलर इफेक्ट आ जाएगा। अगर आप लोग ब्लैक हेयर करना चाहते होंगे तो सिंपल आप लोग को सेचुरेशन को 100 माइनस कर देना है, ठीक है। देन गाइज जैसे आप लोग 100 माइनस करेंगे तो आप लोग का हेयर बहुत ही ऑसम तरीके से ब्लैक हो जाएगा। एंड गाइज इतना करना सिंपल आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एंड सेचुरेशन को आप लोग कुछ इस तरीके से माइनस कर दीजिएगा 13। एंड गाइज इतना करना सिंपल आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड इसका सेचुरेशन आप लोग हल्का सा माइनस कीजिएगा तो 44 माइनस कर दे रहे हैं। एंड यहाँ से लिमिनस को बढ़ा लीजिएगा। एंड इतना करने सिंपल आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड इसका ह्यू कुछ इस तरीके से हल्का सा माइनस कीजिएगा, 40 माइनस कर दे रहे हैं। एंड लिमिनस को बढ़ा लीजिएगा कुछ इस तरीके से 41। एंड गाइस इतना करने में सिंपल आप डन कर लीजिएगा। डन करने फिर से आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड क्लियरिटी को बढ़ा देंगे थोड़ा सा, एंड टेक्सचर को बढ़ा देंगे। एंड देखिए ये जो वीकनेट है ना सिंपल लोग इसको हल्का सा माइनस कीजिएगा ताकि आप लोग बैकग्राउंड में ब्लैक ब्लैक आए। अगर देखिए प्लस में करेंगे ना तो व्हाइट व्हाइट आएगा तो ऑसम तरीके से नहीं दिखेगा, तो सिंपल लोग ब्लैक कीजिएगा, ठीक है। माइनस में करेंगे तो देखिए जितना ज़्यादा आप लोग माइनस करेंगे और ज़्यादा ऑसम सा फोटो लगेगा। तो सिंपल आप लोग मेरी जान अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड गाइस इतना करने सिंपल आप लोग देखिए आ जाना होगा सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पे। एंड फोटो को जूम कर लेंगे। एंड देखिए जो प्लस वाला आइकन होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड पेंसिल वाला आइकन पे, सॉरी फ्रेंड ब्रश वाला आइकन पे, एंड छोटा सा बिंदु आ जाएगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड सिर्फ आप लोग अपने होठ पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, ओठो पे अप्लाई कर लीजिएगा। एंड यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। एंड देखिए अगर आप लोग देखिए अच्छे से लाल नहीं करेंगे ना तो अच्छे से लाल नहीं होगा, ठीक है। इसको आप लोग को क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है, इसको आप लोग को नहीं अप्लाई करना होगा। सिंपली आप लोग यहीं सिंपली फ्रेंड सॉरी देखिए हम यहीं से अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहीं से होठ लाल करते हैं। तो सिंपली आप लोग अपने फोटो के हिसाब से देखिए जिस तरीके से आप लोग माइनस प्लस करेंगे तो थोड़ा सा लाल हो जाएगा। एंड इसका सिचुएशन आप लोग बढ़ाएंगे ना तो बहुत ही ऑसम तरीके से लाल हो जाएगा। एंड ज़्यादा आप लोग चाहते होंगे तो सिंपली देखिए इसको आप लोग इधर माइनस में लेकर के चले जाइएगा प्लस में, तो बहुत ही ऑसम तरीके से आप लोग का होठ लाल हो जाएगा। एंड गाइज इतना करना सिंपली यहाँ से डन कर लीजिएगा। सो गाइज हम लोग एडिट कर चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो सिंपली हम शेयर वाला आइकन पर क्लिक कर देंगे, सेफ्टी डिवाइस पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। सो मेरी जान फोटो सेव करने बाद सिंपली आप लोगों को शेयर कर लेना होगा फिर से इस स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। एंड आप लोग क्या करते होंगे सिंपली आप लोग टूल्स वाले आइकन पे आ जाते होंगे एंड लेंस ब्लर पे क्लिक कर देते होंगे। एंड इसी से आप लोग स्मूथ करते होंगे, ठीक है, इसी से हम भी स्मूथ करेंगे लेकिन इसका अलग तरीका होगा, ठीक है। सिंपली आप लोग देखिए स्टैंड को कुछ इस तरीके से 22 रखिएगा, ठीक है, +22। एंड इतना करने बाद सिंपली देखिए +22 एंड 121 एंड 23 इतना होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना आप लोग को। सिंपली इतना करना सिंपली देखिए इस वाला ऑप्शन को सिंपली आप लोग कुछ इस तरीके से 11 प्लस कर दीजिएगा। एंड देखिए इस वाला ऑप्शन है ना जो देखिए ट्रांजिशन है इसको +22 रखिएगा। एंड ब्लर स्टेंट है कुछ इस तरीके से हल्का से इसको बढ़ाइएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 74 प्लस कर देना है। एंड इसको आप लोग छोटा कर लीजिएगा एंड स्क्रॉल करके इधर आप लोग लेकर के चले जाइएगा। एंड इतना करना सिंपली यहाँ से डन कर लीजिएगा, ठीक है मेरी जान। डन करना सिंपली शेयर के बगल में एरो का निशान होगा उस पर क्लिक कर देंगे एंड व्यू एडिट्स पे क्लिक कर देंगे एंड लेंस ब्लर पे क्लिक कर देंगे एंड छोटा सा ब्रश ओपन हो जाएगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड देखिए ब्रश ओपन क्लिक करने बाद सूर्य फ्रेंड ब्रश पे क्लिक करने बाद देखिए आपको दिखाते हैं कितना अच्छे तरीके से स्मूथ करना है आप लोग को फोटो को। सिंपली देखिए फोटो को जूम कर लीजिएगा एंड देखिए यहाँ आई वाला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देंगे। एंड देखिए कुछ इस तरीके से अप्लाई कीजिएगा आप लोग अपने फेस के ऊपर। देन गाइस जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे ना तो बहुत ही ऑसम तरीके से आप लोग का फेस स्मूथ होगा, वो भी फुल HD। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को देखना है सिंपली आई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा और आप लोग का शो करने लगेगा कि हम कहाँ पे हमारा फेस स्मूथ हो रहा है एंड कहाँ पे नहीं हो रहा है। एंड आप लोग इस तरीके से ब्रश अप्लाई करेंगे तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कि हमारा ब्रश कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। तो सिंपली आप लोग आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जब भी आप लोग फेस स्मूथ कीजिएगा तो आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आप लोग जो भी ब्रश अप्लाई करेंगे तो लाल लाल आ जाएगा, ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से। अगर इस पर नहीं अप्लाई कर रहे हैं सॉरी फ्रेंड इस पर क्लिक कर दे रहे हैं एंड जब भी हम अपने फेस के ऊपर ब्रश चला रहे हैं तो देखिए हमारे फेस के ऊपर रेड रेड नहीं शो कर रहा है। तो मान लीजिए अगर इधर भी चला जाता है आप लोग को इरेज करने नहीं आता है तो सिंपली आप लोग आई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा एंड देखिए नीचे 100 होगा, ठीक है, लेंस ब्लर सिंपली आप लोग इसको 0 कर लीजिएगा एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से इरेज कर लीजिएगा।
तो देखिए मेरे जान कितना औसम तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है, वो भी फुल HD। ठीक है मेरे जान, कोई फेक नहीं वीडियो, ओनली रियल। ठीक है मेरे जान, आप लोग को मैं फैमिली मानता हूँ एंड भाई बराबर मानता हूँ, तो आप लोग को मैं अच्छे से अच्छा सोचता हूँ कि अच्छा से अच्छा फोटो एडिटिंग सिखाऊं एंड अपने जैसा फुल HD सिखाने का कोशिश करता हूं एंड मैं सिखा दूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फुल HD एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।